विधि चित्त शांत आंखें कोमलता से बंद गहरा श्वास ओ शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी भावना की भावधारा में कई दिनों से हम सभी डुबकियां लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। मेरी भावना की निर्मल जल धारा से अपनी मनोभूमि को शीतल बना रहे हैं, सरसब्ज बना रहे हैं।
मेरी भावना के आधार पर चल रही इस प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से अपना यह अनमोल समय आत्म चिंतन में लगा रहे हैं। मेरी भावना के माध्यम से हम सभी अपनी जानकारी या अपना अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ये अनुभव ही साधना है, ये अनुभव ही आत्मा के माध्यम से परमात्मा की आराधना है, इसी को ही हम बोध कहते हैं, इसी को ही हम संबोधि कहते हैं, इसी को ही हम समाधि पर चलने का प्रयास कहते हैं। इस भावधारा की यात्रा करते करते मेरी भावना में कुल 11 पद हैं। 11 पदी की ये भाव यात्रा करते करते हम छठे पद पर चिंतन कर रहे हैं। छठे पद की पहली और दूसरी पंक्ति पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज तीसरी पंक्ति पर चर्चा प्रारंभ करूं। उससे पहले एक बार हम सभी मिलकर के पवित्रतम इन चार पंक्तियों का हम उच्चारण करते हैं, अपनी जिह्वा को पवित्र करते हैं। उच्चारण करते करते एक बार हम अपनी आत्मा में झांकने का सफल प्रयास करते हैं। गुणी जनों को देखे हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हो नहीं कृतघ्न कभी ने द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हो नहीं कृतघ्न कभी में द्रोहो न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये प्रेम की खासियत है, ये मोहब्बत की ताकत है, ये प्रेम का फल है, ये मैत्री भाव का परिणाम है। ये मैत्री भाव का प्रभाव है कि गुणी जनों को देखकर प्रेम उमड़ने लगता है, उनकी सेवा करने के लिए दिल तड़फने लगता है, उनको सुख पहुंचा करके दिल में एक सुकून मिलता है। ये मोहब्बत का फल है, ये मोहब्बत का परिणाम है जो हमें बार बार सचेत करता है, जागरूक करता है कि जिंदगी के अंदर, अपनी इस छोटी सी लाइफ के अंदर
कभी भी मैं कृतघ्न ना बनूं, किसी उपकारी के उपकार को ना भूलूं, या उपकारी के उपकार का बदला बुराई करके ना दूं, मैं कृतघ्न ना बनूं, अपनों के प्रति मेरे अंदर कभी विद्रोह के भाव पैदा ना हो, कभी बगावती ना बनूं, कभी मैं बागी ना बनूं, विद्रोह ना करूं, मन में गुणों को ग्रहण करने का सामर्थ्य आए, किसी में कुछ विशेषता है तो उस विशेषता की मैं अनुमोदना भी करूं और उस विशेषता को अपनाकर अपने जीवन को विशेष बनाऊं, अपनी दृष्टि के अंदर ऐसा सामर्थ्य पैदा करूं प्रेम और मैत्री के माध्यम से कि मुझे किसी में कोई दोष नजर ना आवे, किसी में कोई कमी नजर ना आवे, बुराई नजर ना आए, मेरी नजर ऐसी बन जाए। बनती है ये दृष्टि पवित्र तभी बनती है जब दृष्टि में प्रेम होता है, जब ये दृष्टि सम्यक बन जाती है, इसी को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये सम्यक्त्व का परिणाम है कि गुणियों को देखकर प्रेम उमड़ता हो, उनकी सेवा के लिए दिल तड़पता हो, उपकारी का बदला उपकार से देने का दिल करता हो, बल्कि सम्यक्त जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है सम्यक्त, क्योंकि जैन परंपरा में इस शब्द का बहुतायत प्रयोग होता है, सम्यक्त साधु संत जिन दिन भर रटते रहते हैं सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी, सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हमें सोचना है सम्यक्त की प्राप्ति किस कदर होती है। सम्यक्त इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाप का मार्ग आसान होता है, धर्म का मार्ग मुश्किल होता है, क्योंकि संसार का मार्ग जो है, पाप का जो मार्ग है, उस पर चलने के लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अपने जीवन की दिशा को ही बदल देना पड़ता है, अपनी सोच को ही बदल देना पड़ता है। पर लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिसके दिल में पाक मोहब्बत सच्चा प्रेम होता है उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता, सब कुछ होता चला जाता है, सच्चा प्रेम हमें अच्छा बनाता चला जाता है, और स्वार्थी मोह मान कसायों की प्रचुरता हमें स्वाभाविक रूप से पतन के रास्ते पर ले जाती चली जाती है। इसलिए महाकवि जुगल किशोर मुक्तियार जी ने मेरी भावना के माध्यम से हमारी पवित्रता को नापने का या मापने का एक बहुत सुंदर पैमाना दिया है, मेरी भावना, कि आप इस मेरी भावना के सरोवर में झांक करके देखिए कि तुम कहां स्टैंड करते हो, तुम कहां पर खड़े हुए हो। आज तीसरा पद और चौथा पद बड़ा महत्वपूर्ण है, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोहो न मेरे कृतघ्न। कृतघ्नता किसे कहते हैं पहले हम समझ लें, क्योंकि सबसे बड़ा पाप बतलाया है कृतघ्न होना। कृतघ्न वही हो सकता है जो अपने जमीर से गिर चुका है, अपनी सोच से गिर चुका है, यानी उपकारियों के उपकार को याद नहीं करने देती कृतघ्नता, इसलिए इसको पाप कहते हैं। जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें रास्ता बताया, जिनके सानिध्य में रह करके हमने धर्म के दो बात सीखी, जीवन में कुछ कामयाबी प्राप्त की, जीवन प्राप्त किया, ऐसे उपकारी जनों के प्रति भी कृतघ्नता के भाव आते हैं, तो समझ लेना कि आदमी या कोई भी
मानसिकता के स्तर पर कितना गिरा हुआ होगा। भलाई करने वाले के साथ भी अगर हम बुरा करें तो उससे पता चलता है कि हम कितने गिरे हुए होंगे। मनुष्यता अपमानित हो जाती है कृतघ्नता में। कृतघ्न व्यक्ति घोर पापी होता है। उपकार का बदला अगर अपकार से दे। हमारे साहित्य में दो पंक्तियां आती हैं कि उपकारीषु यह साधु, साधुत्वे तस्य को गुण, अपकारीषु यह साधु सह साधु सद्भी रिष्यते। ये बहुत परिभाषा देखा जाए अध्यात्म की कसौटी पर कसी हुई परिभाषा है। क्या बोला कि उपकारीषु यह साधु, उपकारियों के ऊपर अगर हम उपकार करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ भला किया है उनके साथ हम भला करते हैं, इसमें साधुता की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साधुत्वे तस्य गुणो, इसमें साधुता की क्या बात है? इसको थोड़ा समझ लेना जरा कि उपकारियों, उपकारी का बदला उपकार से देने में कौन सी साधुता है, कौन सी सज्जनता है, कौन सी बड़ी बात है। साधुता तो तब महान होती है, व्यक्ति तो तब महान होता है जब बुरे करने वालों के प्रति भी अपकारीषु यह साधु से साधु सद्वी रिष्यते। जो हमारा अपकार, अपकार यानी बुरा, दो ही शब्द आते, एक उपकार और एक अपकार। उपकार यानी भलाई, अपकार यानी बुराई। उपकार यानी भला करना, अपकार यानी बुरा करना। अपकार, उपकार और अपकार। साधु असली वो होता है कि अपना बुरा करने वाले के साथ भी भला करना, ये साधुता की कसौटी है। बुरा करने वालों के लिए भी कभी बुरी भावना भी नहीं लाना, ये तो है साधुता। तो आप समझना, तीन कैटेगरी बनी। एक होता है साधारण जन, एक होता है संत जन, एक होता है दुर्जन, जिसको कृतघ्न व्यक्ति कहते हैं। दुर्जन को कृतघ्न कहते हैं। साधारण जन कौन सा है? आम आदमी जिसको कहते हैं, जो दुनिया में होता ही है, भला करने वालों के साथ भला करना। ये तो एक इंसानियत है। हमारी इंसानियत ये पहला पाठ पढ़ाती है, पहला सबक सिखाती है कि भला करने वालों के साथ भला करो। और भला करने वालों के साथ भला करना ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें इंसान के गुण हैं, इंसानियत है कि उपकार करने वालों का उपकार कर रहा है, अच्छा करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव कर रहा है, ये एक इंसान का धर्म है। लेकिन इंसान से ऊपर उठ करके एक महान आत्मा का भी धर्म है। उपकारी का बदला उपकार का बदला उपकार से देना, ये सामान्य जन की बात है। लेकिन बुराई का बदला भलाई से देना, ये साधुता का धर्म है। वो सज्जन है, वो संत है, ये साधुता है। साधुता कौन सी? बुरे का बदला भले से देना। एक भले का बदला भले से देना साधारण जन का काम है, बुरे का बदला भलाई से देना ये संत का काम है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी के लोग भी इस धरती पर रहते हैं जो भले का बदला बुराई से देते हैं, जीवन देने वालों को मार देते हैं, जिन हाथों ने कभी सहारा दिया उन हाथों को काट देते हैं, जिन्होंने चलना सिखाया उनको गिराने के प्लान बनाते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर। राजनीति के क्षेत्र में ये तो अक्सर देखा जाता है। वहां कई
शिष्य ऐसे होते हैं जिन गुरुओं ने राजनीति की सीख दी थी, राजनीति करनी सिखाई थी, तो वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि जिन्होंने चलना सिखाया उसको ही खत्म करने की प्लानिंग बना लेते हैं। पंचतंत्र में एक छोटी सी कहानी आती है। पंचतंत्र विष्णु दत्त शर्मा की एक बड़ी अनमोल कृति है, संस्कृत साहित्य का एक बहुत प्यारा ग्रंथ है पंचतंत्र। और पंचतंत्र के अंदर पशु और पक्षियों के माध्यम से एक प्रेरणा दी गई है। तो वहां एक छोटी सी कथा आती है, एक सन्यासी की कुटिया में एक चूहा रहता था, और ये सुनी भी होगी आपने, चूहा रहता था। चूहे से बहुत प्यार था सन्यासी को, बहुत प्यारा सा था। सोचते थे कि भगवान गणेश को तो हमने देखा नहीं, लेकिन चलो सुबह सुबह उनकी सवारी के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि गणेश की सवारी क्या है, चूहा। तो उस चूहे को देखते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे, वो उसको कुछ अपने हाथों से खिलाते थे, उसके सिर पे हाथ फेरते थे, बड़ा प्यार करते थे उसको। तो एक दिन क्या हुआ, कुटिया के बाहर से, क्योंकि कुटिया के बाहर चूहा खेल रहा था, कुदाल की भर रहा था, क्योंकि संत की कुटिया डर किस बात का, कुलाचे भर रहा था, कूद रहा था। इतने में बिल्ली आ गई और बिल्ली पर नजर पड़ गई चूहे की, और बिल्ली को देखती चूहे की सिट्टी पिट्टी गुम, और वो अंदर भागा, अंदर सन्यासी गोद में बैठ गया और कांप रहा बुरी तरह से। सन्यासी ने कहा, ये क्यों कांप रहा है? तो नजर पड़ी बिल्ली पर, ओ मेरे चूहे को बिल्ली से डर लगता है, साधु को दया आई, चल तुझे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्ली से, जा तू बिल्ली बन जा। चूहे को क्या बना दिया, बिल्ली बना दिया, कि मेरा चूहा डरना नहीं चाहिए, और जो भी डरेगा, जिससे भी डरेगा, उसको मैं वही बना दूंगा। तो चूहे को बिल्ली बना दिया। एक दिन बिल्ली बाहर खेल रही थी, इतने में कोई कुत्ता आ गया, और कुत्ते को देखते बिल्ली की सिट्टी पिट्टी गुम दौड़ी गोदी में बैठी और कांपने लगी, देखने लगी सन्यासी की तरफ, फिर इशारा करने लगी। समझ गए आज ये डरी है तो कोई बात जरूर है। नजर फिर पड़ी सामने एक बड़ा भयंकर कुत्ता, इसका मतलब तो ये हुआ चूहा बिल्ली से डरता है और बिल्ली कुत्ते से डरती है। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। अब बिल्ली को क्या बना दिया, कुत्ता बना दिया। कुत्ता बड़े प्यार से बड़ी शान से रहने लगा, वो भी बाहर खेल रहा था, थोड़ा जंगल में गहराई में चला गया तो वहां एक शेर बैठा था, शेर की नजर कुत्ते पे पड़ गई, और कुत्ते को देखते शेर उसके ऊपर दौड़ा और कुत्ते ने दौड़ लगाई, पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा सन्यासी के पास, जीभ बाहर निकल रही, हांफ रहा बुरी तरह से, डर रहा, उसके बाल खड़े हो रखे, समझ रहा डरा हुआ है। फिर नजर पड़ी सामने शेर, ओ लगता है मेरे प्यारे डोगी को शेर से डर लगता है, सिंह से डर लगता है। चिंता मत कर, मंत्र पढ़ा और कुत्ता शेर बन गया। अब भाई साहब अपनी टोर में रहने लगे, इतराने लगे, लेकिन आसपास के सन्यासी कहने लगे कि ये शेर कभी चूहा था,
ये तो महात्मा की प्रेम की ताकत है। आज चूहा शेर बन गया, ये इसी महात्मा की कृपा है। ये शब्द सुना करता था शेर कि मैं शेर तो बन गया, लेकिन जिसने शेर बनाया वो अभी तक जिंदा है, और जब तक ये जिंदा है मेरे आगे इसकी मेहरबानी की चर्चा होती रहेगी। लोग कहेंगे ये तो था तो चूहा, लेकिन आज जो शेर बना है ये इस महात्मा की कृपा से बना है, इस संत की मेहरबानी से बना है। तो ये अपने उस महात्मा की, अपने उस उपकारी की प्रशंसा उस शेर से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि जब तक ये जिंदा है तब तक लोग मुझे चूहा कहते रहेंगे, चूहा, चूहे से शेर बना और बनाया इस महात्मा ने। तो इतना खुंदक में आ गया वो, तो कहते कि उस शेर ने चूहे को शेर बनाने वाले अपने गुरु के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब गुरु को लगा कि ये मेरे को ही मार रहा है, तुरंत बोला पुनर्मूषका भव, पुनर्मूषका भव, तू दोबारा चूहा बन जा। इतना कहती तुरंत बन गया, चूहा बन गया दोबारा। आपने क्या लिया? ये तो चलो ताकत थी चूहे को शेर बनाने की और